University of Bedfordshire. The University of Bedfordshire is an English higher research university with the various campuses that is sponsored by the government. In August 2006, the University of Bedfordshire was founded with an impressive QS ranking. It comes in between 801-2000 by the QS World University ranking. 70% of applications were accepted by the University of Bedfordshire. Besides this, the University of Bedfordshire positions among the top UK universities within the UK. Let's discuss about the entry requirement. For undergraduate students, year 12, HSC, 55% overall ke saath aapka pass karna bahut zaruri hai for the foundation year. This university do not accept students from the intermediate background. As a student, jinhone 12 years education kiya ho, they are not eligible, can meet this university criteria through the foundation. A levels, WBC आपको required होता है A levels में minimum you can like get any program minimum आप जो है आपके पास double B and C होना चाहिए lower the grades तो lower the chances for the securing the admission but the university offers some programs arts और के जो programs हैं वो आपको triple C तक भी मिल जाता है international bar grade की बात करें तो IB में आपके पास 32 points minimum होना बहुत जरूरी है post graduate के लिए bachelor's की degree with minimum 55% marks या आप कहेंगे 2.5 CGPA या 2 CGPA भी बहुत जरूरी है यूनिवर्सिटी का 55% बन जाता है यूके के सेकंड बैचलर्स जो है ना ऑनर्स के इक्विवेलेंट होना चाहिए यूके बैचलर्स ऑनर्स के इक्विवेलेंट हो सेकंड डिवीजन हो 50% मार्क्स हो यू आर एलिजिबल अगर यू डिड 2 इयर्स बैचलर्स प्रोग्राम प्लस 2 इयर्स मास्टर्स 2+2 की डिग्री भी अगर आपके पास है स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम डिस्कस करते हैं इसकी लैंग्वेज लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आइल्स आपके पास ओवरऑल 6.0 विद मिनिमम 5.5 इन ईच एप्लीकेंट होना बहुत जरूरी है सॉरी ईच एलिमेंट टॉफिल जो है टॉफिल आपके पास लिसनिंग 17 रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग 20 एंड राइटिंग 17 होना बहुत जरूरी है ये तो था अंडर ग्रेजुएट के लिए बात करते हैं पोस्ट ग्रेड के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी सेम ये 6.0 ओवरऑल विद नो लेस देन 5.5 इन ईच एलिमेंट या ईच कंपोनेंट ये आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट है टॉफिल में सेम लिसनिंग 17 रीडिंग आपका जो है 18 स्पीकिंग 20 और राइटिंग आपका 17 होना बहुत जरूरी है पीटी लिसनिंग 59 रिक्वेस्ट किया गया है रीडिंग एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग तीनों कंपोनेंट या ईच कंपोनेंट आप लेंगे ओवरऑल पीटी में 59 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है फॉर एडमिशन दिस यूनिवर्सिटी ट्यूशन फी की बात करते हैं तो आर्ट्स की डिग्री जो है वो 13,500 पाउंड्स पर एनएम पे ऑफर होती है आर्किटेक्चर भी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है फेम फीस 13,500 पाउंड्स बिजनेस डिग्री भी सेम ट्यूशन फीस 13,500 इंजीनियरिंग की भी डिग्री आपको जो है 13,500 में मिल जाती है एजुकेशन हेल्थ साइंसेज लॉ ये तमाम डिग्रीज आपको 13,500 पाउंड्स में ऑफर करती हैं तमाम बैचलर्स डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं बैचलर्स ऑफ नर्सिंग या बैचलर्स की जो नर्सिंग की जो बैचलर्स की जो वैरायटी ऑफ प्रोग्राम दे डू ऑफर क्योंकि बैचलर्स में ना आपको नर्सिंग के अंदर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं सच एज आप ये कह लें कि आपको मेंटल हेल्थ केयर मिल जाता है एडल्ट नर्सिंग मिल जाती है चाइल्ड जो है वो आपकी नर्सिंग केयर होती है उसकी फीस 14,300 पाउंड्स है फिजियोथेरेपी 9,250 पाउंड्स में आपको मिल जाता है बैचलर साइकोलॉजी सेम 13,500 में साइंसेस की डिग्री भी तमाम आपको 13,500 पाउंड्स पर एनएम पे मिल जाती हैं बात करते हैं पोस्ट ग्रेड के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आर्ट्स की जो डिग्री है वो 13,750 पाउंड्स के इन बिटवीन मिलती हैं आर्किटेक्चर भी 13,750 में बिजनेस डिग्री भी 13,750 इंजीनियरिंग की डिग्री एजुकेशन की डिग्री इवन दो हेल्थ साइंसेज की डिग्री तमाम आप समझें कि मेजोरिटी ऑफ प्रोग्राम्स की जो फीसिंग दे हैव स्टैंडर्ड फीसिंग विच इज 13,750 पाउंड्स लॉ 8,500 पाउंड्स में मिलता है विच इज वेरी लॉ साइंसेज की डिग्री सेम 13,750 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो डिग्री है वो 15,600 पाउंड्स में मिलती है रिन्यूएबल एनर्जी का जो मास्टर्स है वो 13,750 में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सेम 13,750 पाउंड्स मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस या डेटा साइंस आप कह लें सेम 13,750 एमबीए आपको 17,900 पाउंड्स में मिलता है मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी 16,250 पाउंड्स मास्टर्स ऑफ नर्सिंग या नर्सिंग का आप स्ट्रीम कह रहे हैं तो आपको मिलता है पोस्ट ग्रेड पे काफ़ी महंगा है विच इज़ लाइक 29,950 पाउंड्स फिजियोथेरेपी का जो मास्टर्स है वो आपको 16,250 पाउंड्स में मिलता है पब्लिक हेल्थ 15,600 और ये तो था पब्लिक हेल्थ एक है आपके मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ तो पब्लिक हेल्थ में एमएससी की डिग्री भी ऑफर कर रही है ये यूनिवर्सिटी और मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ विच इज 13,500 पाउंड्स पर एनएम पे ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है दैट्स व्हाई दे हैव द
वेरियस ट्यूशन फीस फॉर द बॉथ प्रोग्राम. डिस्कस करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के बारे में. दे डू ऑफर वाइस चांसलर स्कॉलरशिप जिसका अवार्ड जो है वो वैल्यू जो अवार्ड है वो कुछ 27,000 पाउंड का है, लेकिन ये ओवर 3 ईयर्स है, तो आप समझें कि 9,000 पाउंड आपको ईच ईयर बन जाता है. इसके लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इवन दो MBA वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं. एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये तमाम आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं. नेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है. बिसाइड दिस मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com जिसपे मैंने तमाम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्कॉलरशिप के बारे में मेंशन कर दिया है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं या मेरी स्क्रीन पे आपको तमाम डिटेल्स मिल रही होंगी कि आपने इसको कैसे स्कॉलरशिप को आपने अप्लाई करना है. सेकेंड स्कॉलरशिप जो ये ऑफर करते हैं दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप. इसका जो वैल्यू ऑफ अवार्ड है वो 660 पाउंड से लेकर 1660 पाउंड पर एनम के ऊपर आपको मिल जाता है. इसके ये स्पोर्ट्स की प्योर स्कॉलरशिप है जो कि 12 मंथ्स प्रोग्राम पे मिलती है. एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन इस स्क्रीन पे आपको तमाम डिटेल्स मिल रही होंगी या जो मेरी वेबसाइट है studyabroadupdates.com उस पर तमाम डिटेल्स अवेलेबल हैं. इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना पड़ता है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप @bat.cac.uk. इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 15th of October है. ईच ईयर 15th of October को ये क्लोज हो जाती है. थर्ड स्कॉलरशिप जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है दिस इज केयर लीवर बर्सरी. ये एक बर्सरी होती है जो कि आपको केयर लीवर्स के नाम से मिलती है. सेम स्क्रीन के ऊपर मेरी डिटेल्स तमाम अवेलेबल हैं. इसका जो अवार्ड वैल्यू है वो 9,250 पाउंड्स है जो कि आपको 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 पे कर देती है, जिसमें आप समझेंगे 5,700 पाउंड्स की जो है ना आपको बर्सरी मिल जाती है और ये आपको तमाम इंटायर डिग्री प्रोग्राम पे मिलती है. इसका मैंने पूरा एक कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मैंने दिया हुआ है या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com उस पर मैंने तमाम डिटेल्स दी हुई है कि जी केयर लीवर स्कॉलरशिप बर्सरी के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं. उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है, वो फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, PDF फॉर्म भी मिल जाएगा जिसमें आपको तमाम गाइडेंस दी गई है. फोर्थ स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी जो ऑफर करती है दिस इज कॉल्ड फाउंडेशन ईयर बर्सरी. ये भी काइंड ऑफ बर्सरी है जिसमें आपको जो अवार्ड वैल्यू है वो 2000 पाउंड का है. ये आपको एकेडमिक ईयर के ऊपर मिलती है क्योंकि फाउंडेशन डेफिनेटली आपके 4 टर्म या 3 टर्म या 1 ईयर का ही होता है. एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन कि स्कॉलरशिप आप 2 इंस्टॉलमेंट में आप क्लेम कर सकते हैं. इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और कैसे आपने अप्लाई करनी है, मेरी वेबसाइट पर जाएं studyabroadupdates.com, वहां आपको ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन विद URL लिंक एंड फॉर्म्स आपको मिल जाती है.